प्रदेश की जयराम सरकार के पास अपना कुछ नहीं है उपलब्धियों के नाम पर और पीएम मोदी की पीठ पर चुनाव लड़ने की योजना है। कांग्रेस ने 23 पन्नों की चार्जशीट लाई है आज। इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक एंड पोल गिमिक। बाकी जो है उनको नोटिस जा रहे हैं, 6 साल के निष्कासित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पीएम मोदी के दौरे भी फाइनल हो गए हैं, 5 और 9 नवंबर को क्या कहेंगे हिमाचल के? भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी हिमाचल आते हैं, जनता उनको पलकों पर बिठाती है। मोदी जी ने हिमाचल को बहुत कुछ दिया है, जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जे से लेकर विकास की बहुत सारी परियोजनाएं, एम्स, पीजीआई, सैटेलाइट केंद्र, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT, IIT, IIM से लेकर सारी योजनाएं, रेलगाड़ी से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस तक, जब मोदी जी आते हैं तो एक नए रक्त का संचार होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। और 5 और 9 तारीख को जब चारों संसदीय क्षेत्र में आएंगे, एक नई हवा बनेगी और उसका वोट में तब्दील करके भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर फिर सरकार बनाएगी। सर, पीएम मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रदेश की जयराम सरकार के पास अपना कुछ नहीं है उपलब्धियों के नाम पर और पीएम मोदी की पीठ पर चुनाव लड़ने की योजना है। कांग्रेस की ये हालत है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में देश के टुकड़े करने वाले चल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो नारा लगाते थे, देश के टुकड़े हों हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो कहते थे कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना रहे, अगर वो लोग भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे तो कांग्रेस की स्थिति क्या है? राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी जी नहीं चल रही हैं, परिवार तो जुड़ नहीं पा रहा, भारत जोड़ने की बात कहां करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस की हालत है कि आज भारत छोड़ो की कांग्रेस छोड़ो चल रहा है, इसलिए कांग्रेस ना वहां पर ना यहां पर कहीं नहीं है। इनका केंद्र का या प्रदेश का नेतृत्व हो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, गंभीर आरोप ही नहीं, बेल पर इनके नेता बाहर हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस आज किस स्थिति में है। सर, कल बड़ा इवेंट मनाया है भाजपा ने और 68 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम है, क्या कहेंगे सर, कितना फायदा इससे चुनावी दृष्टि से मिलेगा? कल से पूरी तेजी के साथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। 68 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्र और प्रदेश के नेता जाएंगे और इस अभियान को 4 चांद लगाएंगे, पंख और लगाएंगे और तेजी लाएंगे। और ये जो 10 दिन बचे हैं, इसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है जनता, जो समर्थन आपने देखा है मिल रहा है, जो उत्साह लोगों में है, वो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मददगार। सर, कांग्रेस ने 23 पन्नों की चार्जशीट लाई है आज, और इसको लेकर क्या कहेंगे? कोरोना के टाइम में घोटालों को लेकर इसमें विशेष बात कही गई है। कांग्रेस 5 साल मूक दर्शक बनकर बैठी थी क्या, सोई हुई थी? 5 साल में कितने विधानसभा के सत्र हुए, कितनी पब्लिक मीटिंग हुई, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस आज तक एक आरोप नहीं लगा पाई। इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक एंड पोल गिमिक। चुनाव के समय केवल एक प्रोपेगेंडा करके एक चार्जशीट ले आई है, अरे वो चार्जशीट के लाएंगे जो खूब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जयराम जी की सरकार ने शानदार काम किया है और ये निराधार आरोप है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। सर, अंतिम सवाल, आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, अब चुनावों में एक तरह से पूरी तरह से गियर अप हो गई है दोनों पार्टियां, लेकिन जो बागी हैं भाजपा के लिए बड़ी चुनौती, जनता कमल का फूल देखेगी और कमल का बटन दबाएगी और भाजपा को जिताएगी। धन्यवाद। बागी जो हैं उनको नोटिस जा रहे हैं, 6 साल के निष्कासित किए जा रहे हैं। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद थे, इनका स्पष्ट कहना है कि कमल का फूल प्रत्याशियों का जो कमल का फूल है, उस कमल के निशान को देखा जाएगा और भाजपा की सरकार निश्चित तौर पर प्रदेश में बनेगी। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।